नमस्कार, मैं हूं स्मेलन सरे और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज, जनपद जालौन से उरई के लिए ट्रक आ रहा था, ट्रक के चालक अचानक संतुलन खो बैठे रास्ते में कुकर गांव में पलट गया। उपेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। पहाड़ी तू कचनी वूर पड़ना ना टार फटे ना बच्चू ना टार फटने बच्चू पहाड़ी बच्चे पांच दिन पूर्व संद लगाकर चोरी करने वाला चोर पुलिस के पकड़ से दूर, नहीं हुआ चोरी का खुलासा। पीड़ित ने पुनः क्षेत्र अधिकारी से न्याय लगाई गुहार, इससे पूर्व स्थानीय थाना में दिया गया प्रार्थना पत्र। मामला है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच थाना रुपैले के अंतर्गत ग्राम पंचायत बढ़ारा का। 21/8/2020 को बीती रात में चोरी से बड़े ही आसानी रहमत पुत्र अब्दुल हुसैन घर में सिंध लगाकर सोने के जेवरात व चांदी के जेवरात तथा नकदी मिलाकर लाखों रुपए उड़ा ले गए। इस संबंध में रहमत पुत्र अब्दुल हुसैन स्थानीय थाना नवाबगंज लिखित शिकायत पत्र दी गए, परंतु चार दिन गुजर जाने के बाद भी थाना नवाबगंज की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पीड़ित ने पुनः क्षेत्र अधिकारी महादेव ननपारा से न्याय की गुहार लगाई। अब देखना ये कि पीड़ित की जो न्याय की आस लगा बैठी है, पीड़ित को न्याय मिलता है या ऐसे ही हवा हवाई कर छोड़ देती है। जिब्राइल की खास रिपोर्ट। हाँ हाँ, तो नीचे पड़ा रहा है। झाड़ियों और गड्ढों में तब्दील राजमार्ग। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली बरछावा। बरछावा क्षेत्र में बांदा बहरेच राजमार्ग पर जो कि इस समय झाड़ियों और गड्ढों में तब्दील है, इस पर ना लोक निर्माण विभाग ध्यान दे रहा और जिसके चलते ये किसी बड़ी अनहोनी का दावा दे रहे हैं। अगर समय रहते इस पर काम नहीं किया गया तो किसी भी प्रकार की बड़ी घटना हो सकती है। मोरू सिंह की खास रिपोर्ट।
का अभियुक्त तमंचे के साथ गिरफ्तार। खबर चंदौली से, जहां बीते 10 अगस्त को बलुआ थाना अंतर्गत मोहरगंज की चौकी समीप गैस सिलेंडर की गाड़ी ड्राइवर से हुई लूट की पुलिस ने खुलासा कर दिया। वहीं एक अभियुक्त को 315 बोरे के तमंचे, एक जिंदा कारतूस व लूट के 74,000 रुपए के साथ पकड़े जाने की भी बात स्वीकार की है। अवधेश यादव की स्पेशल रिपोर्ट। खबर है उत्तर प्रदेश के जालौन से। जालौन के वरई शहर में बिजली विभाग के खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन। उपेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सरवस्ती के अंतर्गत इटौना तहसील के पास एक ट्रक अंतरिक्त होकर पुलिस की गाड़ी से जा टकराई, जिसमें पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए 3 लोगों को काफी चोट पहुंची। मौके पर प्रशासन द्वारा पहुंचकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सभी को भेजा गया। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार। लटन खां की स्पेशल रिपोर्ट। कर चुटाए गए हैं, ले गए उनके लाद के।